एक्चुअली हमारा केस जो है, हम यहाँ हमारे कुछ 500 से लेकर 550 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और जम्मू में भी हमारे कुछ 550 के करीब काम कर रहे हैं। तो टोटल जो कोटा है 1200 लोग काम कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में है, पैरामेडिक्स के और नर्सिंग में काम कर रहे हैं पिछले 12 साल से। ये जो पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ जो काम कर रहे हैं, ये अंडर SRO 384/409/24 के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका प्रोविजन 6 साल का था, और 6 साल के बाद उस प्रोविजन में ये चीज़ हुआ कि उसके बाद कोर्ट की एक डायरेक्शन आई, जिस कोर्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया, जो कंसर्न इंतजामिया यहाँ था, तो उसको अभी तक 10 साल हो गए, उसी कोर्ट जितने भी कोर्ट डायरेक्शंस आए, उन कोर्ट डायरेक्शन पे वो सारे लोग काम कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती की बात ये है कि रिसेंटली मुझे लगता है कुछ 3-4-5 महीने पहले ये सारे पोस्ट रेफर किए गए SSRB को, जहाँ से इनको फिल किया गया। मगर वहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये बात एक साइड में छोड़ के कि जितने भी हॉनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थे, उनको वायलेट करके इन पोस्टों को रेफर किया गया SSRB, और उसके बाद रिसेंटली जितने भी और डायरेक्शंस आए, जिसमें कंटेम्प्ट भी हुआ, चाहे वो SSRB था चेयरमैन, चाहे वो कमिश्नर साहब थे, या प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू और श्रीनगर थे, मगर उन चीज़ों को भी एक साइड में रख के, या जबकि SSRB के चेयरमैन को भी ये डायरेक्शन गई कि आप जी ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसको आप स्टॉप कर दीजिए, मगर उसके बावजूद भी इस सिलेक्शन प्रोसीजर को कंटिन्यू किया गया, और यहाँ तक कि हद ये हो गई अभी कि इस सिलेक्शन को अब रिसेंटली उन्होंने मेरिट लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया, और हो सकता है कि 1-2 दिन में इसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आके उन जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस करे। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम हॉनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उनके इश्यू को एड्रेस किया जाए।